वेलकम सबका, स्वागत है लोगों। मैं दिवाली भी है तो मैं सोचा ही आपको थोड़ा सा कोई मदद करने वाले नहीं, करना खुद ही है। बट वेज प्लस एग्स भी है। हेलो, इतना भी शुभला नहीं भाई। भाई एक बार आओगे 10 मिनट? उसका मतलब ये नहीं भाई कि मैं बेशरम हूँ। नहीं नहीं, फैमिली में मैं अपनी मम्मी को 100 साल तक जवाना चाहता हूँ। आप लोगों को देखता हूँ आप पूरे दिन और जिसमें कितनी धूप में लगे हुए हो। यहाँ तो 10 मिनट भी अगर बैठ गए, ठेकेदार आ गया तो फिर भी भगा देगा वो। भगा भाई, आज संडे रेस्ट डे। यार मेरा रेस्ट डे मतलब नूना होता कि पति रेस्ट डे हो। इट्स काइंड ऑफ एक्टिव रेस्ट डे। लाइक मैं सुबह 1 घंटा वॉक कर लूँगा, नो शाम ने मतलब अपने स्टेप्स कर लूँगा, 10-15 हज़ार 20 हज़ार भी हो जाए कुछ नहीं पता। बिकॉज ना ऑफिस होता ना वर्क होता तो टाइम पास थी, मैं घूमे जाऊँ, कुछ ना कुछ फ़ोन फीड देखे जाऊँ। तो हाँ, रेस्ट डे का मतलब नू नहीं है। तुम कभी पड़े रहो, कुछ भी ना करो, कुछ कर लो यार, घर के काम कर लो, कुछ भी कर लो। लाइक हाँ, घर के काम मैं नहीं करता जुड़ू, बिकॉज घर के काम करना करने का ना एक रीज़न, मैं बेशरम नहीं, मैं बताता हूँ क्या रीज़न। मेरी मम्मी को फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती, तो अब घर के काम करेगी तो थोड़ा प्रोएक्टिवली फिट रहेगी। 7:30 बजे से एक वॉक कराएगी 1 घंटा, बट स्टिल वो एक पसीने वाली फिजिकल एक्टिविटी हो ना, वह ना करती। तो मैं ट्राई करता हूँ मम्मी पे और काम बढ़ाओ, और काम बढ़ाओ। उसका मतलब ये नहीं भाई कि मैं बेशरम हूँ, मैं मतलब कति अख्तम मन अनुमानों के अपनी माँ के काम बढ़ाए जा। उसका रीज़न ये है कि मैं अपनी मम्मी को 100 साल तक जवाना चाहता हूँ, तो उसकी वजह से मैं काम बढ़ाता और काम में हेल्प नहीं करता। बिकॉज उनकी कार्डियो होती रहेगी, उनकी फिजिकल एक्टिविटी डेली बढ़ती रहेगी। तो यस, अब मैं घर के काम नहीं करता तो ठीक है, मैं घूम लूँगा। तो रेस्ट डे पे बिल्कुल लथार्जिक भी मत हो कि बस तुम पड़े हो। मेनली तो कुल मिलाकर नहीं हुआ, बस तुम थोड़ा सा कुछ भी एक्टिव रहो, कति रेस्ट डे भी मत करो भाई। वन मोर थिंग, मैं भाई ये लते ना मैं कल लाया था, कभी तुम नहीं सोचो मैं इतना भी बेशरम हूँ, इतना भी शुभला नहीं हूँ, थोड़ा सा हूँ बट इतना नहीं हूँ। ये मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे कल रात को जो मैंने वर्कआउट में कपड़े थे वे यूज करे, ये हो गए भीज गए, सुखा दिए, सुबह ये पहन के एक बार और वर्कआउट, मतलब 2 वर्कआउट एक आउटफिट में यूज कर लिया। मैं पॉज यार, एक बार पसीने आ गए फिर दबा दिए तो इनका कलर भी फेड हो जाएगा और फिर पानी की भी थोड़ी ज्यादा वेस्टेज है। एंड आई लव वाटर, तो मुँह मत सोचियो अभी रात ने भी ये लत्ते पैर है, सुबह भी ये पैर है, तो मुँह में सुखा दिया रात ने आते वर्कआउट करके पीछे, फिर दिन सुबह दोबारा पहन के फिर इनमें वर्कआउट, तो इतना भी शुभला नहीं भाई यार। हाँ यार, मैं एक ना वेज डाइट क्लेम तो करूँ, बट आई नो भाई मैं आई एम स्टिल ईटिंग एग्स, तो भाई प्लीज़ मैंने वो मत करियो कि साला झूठ बोले ये वो। एग्स और रह रहे यार, अंडे छूट नहीं रहे यार, अंडे बढ़िया यार, बढ़िया सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो 8-10 अंडे डेली हो जाए, एक भी जुगर 3 अंडे और एक ब्रेड स्लाइस। तो हाँ, मैं वेज डाइट कहता तो हूँ, बट वेज प्लस एग्स भी है। हाँ, मीट चिकन फिश जो भी हो यार, जितने भी सोर्स ऑफ मीट वो मैंने सब छोड़ दिए, एंड आई होप मैं आई गेस कभी नहीं लूँगा। सो यस, बट हाँ अंडे है, अंडे भी जब छोड़ूंगा तो बता दूँगा। सो वेज प्लस एग्स, सो कुछ कंसिडर कर लो एकदम ही ना। चलो भाई, चला मैच भी आखिर स्टेज पर। आज कोहली की सेंचुरी पक्का होगी, तो 100% होगी। श्रेयस अय्यर की जो फॉर्म चल रही है तो उन्होंने कोहली, चलो इतना काम कराओ, इतने सेंचुरी अपनी हो ही पाओगी। स्कोर देख लो, दोनों 50 करके उठे जस्ट अभी। सो चलो सीधा भाई, आ जाओ, एक आदमी का दिन मनाते आज। बट भाई काम कल आ गया यार, बट कोई ना थोड़ा सा इसका डिस्टर्ब करना पड़ेगा इसको, आलम एक बार इसने आज भाई का दिन बनाते हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ यार, उसका रिएक्शन देखने की। भाई एक बार आओगे 10 मिनट? एक बार 10 मिनट ले लेते आपके पास। यार देखो, मैं एक दो चीज़ पूछना चाहता हूँ, आपका नाम बता सकते हैं आप? राजीव। राजीव, आप की कितने जने फैमिली में? हम लोग हैं 6-7 जने। 6-7 जने हो, ठीक। वो आपकी वाइफ है? वो बहन है। बहन है, अरे अच्छा, बहन आपकी लगे। यार मेरे को आप एक बार अपना दिनचर्या का बता सकते हैं, आप कितने घंटे काम करते हो और आपको कितनी दिहाड़ी मिलती है, सारी चीज़? 8 घंटे पूरे, मतलब कोई छुट्टी नहीं हर दिन, मतलब संडे संडे को भी लगे हुए हो? कोई दिन छुट्टी। और कितने कितने मिलते हैं आपको इस चीज़ के? 450। 450 मिलते हैं डेली, ठीक है। अच्छा, तो यार मैं असल में ना मैं भी
एक कंपनी में काम करता हूँ और मेरा असल में होता है घर बैठ के काम करने का। बट जिंदगी में सुख दुख तो बहुत है सबके, दुख ज़्यादा आदमी दिखाता है, सुख कम दिखाता है। हाँ, बट मैं मतलब मेरे अगर घर बैठ के काम करता हूँ जिसमें कि मैं तो घर बैठ के काम करने में भी मतलब मैं इतना कोसता हूँ अपनी ज़िंदगी को कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। बट मैं जब आप लोगों को देखता हूँ आप पूरे दिन और जिसमें कि इतनी धूप में लगे हुए हो तो मेरे को बड़ा वो हो जाता है कि यार कुछ लोग ऐसे भी है कि शिकायत करने को कोई नहीं है, काम करना ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, कोई दूसरा समाधान नहीं है, जिसमें कि कोई छुट्टी नहीं, जिसमें कि मेरी दो छुट्टी भी होती है, बट फिर भी मैं कोसता रहता हूँ। तो मैं सोचा आज एक किसी के पास चलते हैं, उनका दिनचर्या पूछते हैं सारी चीज़ और पूछ के आते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ, आप मतलब कोई शिकायत आपको ज़िंदगी से अपनी? यही काम ही काम का है, किसान आदमी हम लोग, कोई मतलब वो भी नहीं है कि नहीं, यहाँ तो 10 मिनट भी अगर जो बैठ गए ठेकेदार आ गया तो फिर भी भगा देगा वो, भगा देगा मतलब। एक तो सबसे बड़ा दुख काम करना और ऊपर से फिर जो जो अपने ऊपर होते हैं और मतलब कोसते हैं धमकाते हैं वो, उनकी भी सुनना और सारी चीज़ मतलब है, बड़ा बड़ी दुखी ज़िंदगी है ना। और बट मैं ये सोचता रहा कोई छुट्टी नहीं आपकी है और फिर भी मतलब कोई शिकायत करने वाला नहीं हो, पता काम करना है उल्टा जाना है, क्योंकि काम नहीं होगा तो पेट नहीं चलेगा, घर वाले नहीं। आप शादी हो रही क्या आपकी? अच्छा, और तो यार मैं सोचा चलता हूँ एक बार ही एक किसी का पूरा पूछ के आता हूँ उनकी लाइफ में कितनी दुख सुख दुख है। और मैं सोचा कुछ थोड़ा दिन भी बना देते किसी का। तो यार देखो मैं दिवाली भी है तो मैं सोचा ये आपको थोड़ा सा आप ले लो मेरी तरफ से, एक तोहफा मान लो इस चीज़ को, चाहे कुछ मान लो। लो ये है कि दुख सुख दुख बहुत है बट आदमी ना शिकायत ज़्यादा करता है। और भाई ये भी रख लो आप, और मतलब वही बात है कि आदमी जब जैसे मैं ही हूँ, मैं जेन्युइनली बताऊँ ठीक है सही कमा रहा हूँ सारी चीज़ें, कोई किसी का खर्चा नहीं करता किसी पे, अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, बट फिर भी शिकायतें बहुत है लाइफ में। बट मैं आप लोगों को जब देखता हूँ आपकी फैमिली को जैसे पूरा दिन धूप में काम करना और बट कोई शिकायत करने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, करना खुद ही है, तो मेरे को जेन्युइनली बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत एक उत्साह होता हूँ मैं आप लोगों को देख के। तो मैं सोचूँ थोड़ा आज एक किसी का दिन बना देता हूँ, तो आज एक बार गले मिल लेते हैं। एक बार ना मेरे इस कैमरे में ये और कह दो कि सब्सक्राइब कर देना, मैं बोल जाता हूँ सब्सक्राइब कर देना चैनल। और YouTube देखते हो आप? नहीं देखते आप? चलाते नहीं, छोटा फोन है। नहीं चलाते, घर में कोई चलाता है? अच्छा कोई नहीं चलाता होगा। चलो ये बच्चे आपके? हमारे गांव के हैं। गांव के? हेलो, चलो ये आप रख लो। नहीं नहीं आपके है, मेरे नहीं है ये, मैं आपको एक तोहफा समझ लो, कुछ समझ लो इसको। तो दिवाली भी आ रही है तो मैं सोचा एक आज किसी का दिन बना दे, तो आप ये रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और बस यही था कि मैं थोड़ा सा रियलाइज़ करना चाह रहा था कि मैं ज़िंदगी में बहुत शिकायत करता रहता हूँ, मेरी ज़िंदगी में ये नहीं है वो नहीं है, बट आप लोगों को देखता हूँ धूप में काम करना सारी चीज़ें करना, तो बड़ा वो लगता है कि मैं फिर भी एक एसी में बैठ के काम कर रहा हूँ और आप लोग वो कर रहे हो बट कोई शिकायत करने वाला नहीं। तो मैं सोचा एक आपसे मिल के आता हूँ। चलो ठीक है, मिल के अच्छा लगेगा। हाथ में ला लेते पूरी रख लो, इसे जेब में रख लो, पहले जेब में रख लो आप इसे। ठीक है, आप बड़ा मतलब बहुत वैसा काम कर रहे हो मतलब जिसका कोई वो नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, बट कोई नहीं, सबकी जिंदगी है, सबके ज़िंदगी में सुख दुख है। बट चलो ठीक है जी, आप कर लो आपके 10 मिनट और काम के खाली है, मैंने मेरे को इस चीज़ का बड़ा हो रहा था कि बुलाना पड़ेगा। चलो ठीक है जी, धन्यवाद। होए राम रे, दिल साल का हो गया कति यार, मतलब यार बड़ा सही फील हो रहा है यार, थोड़ा सा इमोशनल सा भी हो गया थोड़ा, बट मैंने बहुत कंट्रोल करा वो भी, मैं डेली रोया रो तक क्या मुँह दे कई चीज़ें पे, तो वह कैमरे का आगे नहीं रोना चाहता, बट मज़ा आ गया यार। लोग मैं यार पहला ना उसने देखू था 5-7 मिनट, उसका काम देखू तक के यार, वो बेचारा संडे ने भी लाग रहा है यार, मैं संडे सोऊँ और कुछ नहीं करता, मतलब यार कोई वीकेंड नहीं, उसकी मेरे थी वीकेंड भी है, वो बेचारा लाग रहा कसीम कसिया धूप में यार, मतलब उसके तो इमोशन डेड थे भाई जेनुअनली, मतलब मैंने जब उससे बात करी है ना, मैं फील हो था जब मैं उससे पूछू था, मतलब जो स्टोइक हो यार है ना, जो रियल स्टोइक, मतलब दर्द है दुख है बट एक्सप्रेस नहीं करते, बिकॉज उनको पता करे कोई फ़ायदा ही नहीं, कुछ सिंपति नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपति लेगा भी क्या मिलेगा, तो कुछ मिलना ही नहीं, तो उन्होंने बेरा ये काम कर लें वो ज़्यादा बेनिफिशियल है।
यार मैं उसने देखू 5 साल मैंने लाग रहा गर्मी में बेचारा दुखी हो है। और मैं फिर अपनी लाइफ ने रियलाइज करूँ घर बैठ कर लैपटॉप पर खट 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 लगा रहूँ। देन सारी चीज़ें मम्मी पापा खाना पीना मतलब हर चीज़ बैठते टेबल पा जाती है और स्टिल मैं इतना कर्स करता रहूँ अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं जगह। बट हाँ भाई मैं ग्रेटफुल भी बहुत हूँ ब्लेस भी बहुत फील करूँ डेली हाथ जोड़ूँ मैं थैंक यू गॉड फॉर वेकिंग मी अप। बट स्टिल भाई ह्यूमन नेचर है कहीं ना कहीं कितना ही दे दो हमेशा कम लगा कम मिला और मिलना था और मिलना था। बट यार इन बेचारा की लाइफ देखूँ कोई संडे नहीं कोई सैटरडे नहीं बस लगे रहो पूरा सुबह शाम 8-10 घंटे 12 घंटे घाम में यार इतनी धूप हो रखी थी भाई मैं इस हुडी में जल गया। बट यार मैं देखूँ मेरा तो यार बड़ा वो है यार मतलब भाई आगे तो मैं अपना ट्राई मैं बेस्ट करूँगा कि किसी भी चीज़ ने ना कोसूँ स्पेशली बस आल रादर बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि मतलब ग्रैटिट्यूड दिखाना कि बस थैंक यू सो मच इतना सब देने के लिए। और हाँ यार एक चीज़ और थी मेरी थोड़ा आई नो ये मैं डिफरेंस बताता हूँ भाई चुप भी सकते तुम लोग के बट है भाई ये इंडिया में मैंने देखा है और यूएई में। यूएई में भाई पता है डिग्निटी ऑफ लेबर कितनी है हर प्रोफेशन को उतनी ही रिस्पेक्ट मिलती है नो मैटर कोई बंदा जी वैगन से उतर रहा है या वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है एक बिल्डिंग में भाई उसको सेम रिस्पेक्ट मिलती है। और यहाँ पे इंडिया में व्हाट आई हैव सीन इज यहाँ नहीं है भाई यहाँ जेन्युइनली नहीं है लाइक लोग बाग ना मतलब एक छोटा सा एग्जांपल बताऊँ यहाँ पे पैसों के बेसिस पे बहुत जज किया जाता है। दो एग्जांपल दूंगा दो कति कड़वे एग्जांपल दूंगा कड़वा सच मतलब एक गाड़ी है ठीक है तुम गाड़ी चलाने लग रहे हो हरी गाड़ी ठोक दी पीछे से किसी ने ठीक है या तम ने उसको मार दी चलो नू लगा लो। और अगर वो लेबर क्लास है ठीक है लेबर है वो दिख जाएगा तुमने तो मतलब जज कर लेते हैं आदमी उसके हाव भाव स्वभाव से स्पेशली पर्स आउटफिट वगैरह सारी चीज़ों से तुमने दिख गया वो लेबर क्लास है भाई आदमी उसके थप्पड़ मारेगा मन्ना आटा जो देखा है इंडिया में थप्पड़ मारेगा इवन रुपये भी लेगा उससे अच्छा उसकी खुद की गलती हो ठीक है। और अगर अगला बंदा बड्डी गाड़ी में शरीर में भी अट्टा कट्टा उसका है वो बेरा है उसने अवॉइड करागा क्यों बेरा है कदे मैं ना पीस जाऊँ तो यो डिफरेंस है। अग यहाँ पे क्लास देख के अर्निंग देख के प्रोफेशन देख के बहुत जज करते उस बेसिस पे अपना प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करते कि क्या करना चाहिए विच इज़ ह्यूमन नेचर सो आई नो होता है भाई ये लाइक। बट मैं क्या कहना चाहूँगा कि ये कहना चाहूँगा भाई हम्बलनेस दिखाओ काइंडनेस दिखाओ मारा काटी बहुत चल रही दुनिया में कितना चले जाओ हर कोई दुखी है अपनी ज़िंदगी में कोई की तो लड़ाई चल रही है कि तो कुछ चल रहा है हर कोई दुखी है। चेंज जो कोई कर सकता है ना वो बस हर कोई बंदा अपने आप को चेंज कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो भाई वो है थोड़ा सा हम्बल ना एक और एग्जांपल दिखाता हूँ अगर तुम यार हर कोई आई गेस एक ग्रुप ऑफ सर्कल में रहा है कॉलेज स्कूल आज भी जब भी जो जो भी थारी एज है तुम अगर ध्यान दोगे ना जो एक एक होया करे एक सबका ना एक रिचनेस का लेवल होता है सबका ना एक नेटवर्थ पता होता है हर एक को ठीक है। तो ग्रुप में अगर जो सब तमीर होगा ना बड्डी गाड़ी सारी चीज तो करा कुछ नहीं उसने उसने खुद नहीं करा उसे बड्डी गाड़ी सारी चीज उसते रिस्पेक्ट ना एक अलग लेवल की देगा हर कोई मतलब यो मैंने जेन्युइनली देखा है। हाँ मैं ऐसा नहीं भाई मेरती मेरे मम्मी पापा एक सेगमेंट है और रिमेनिंग ऑफ द वर्ल्ड दूसरा सेगमेंट है मेरती दो सेगमेंट है बस एक मेरे मम्मी पापा का और एक इस मेरे लिए सब बराबर दुनिया में सब भाई कोई कदे भी काम आ सके सबको मेरे लिए इक्वली रिस्पेक्ट है हर चीज़ है। तो जो सबसे अमीर होता है ना ग्रुप में डीप डाउन सबने बेरा वाला कौन है किसका एक नेटवर्थ है बढ़िया वाला तो उसको ना एक अलग तरीके से ट्रीट करते ग्रीट भी करते हर चीज़ अलग तरीके से करेगा आदमी। और हाँ जो जिसके पास लिटरली कुछ नहीं है या वो कम कमाता बट अपनी मेहनत का कमाता अपने बाप का नहीं अपनी मेहनत का उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी मतलब सोचने की बात है यार कित ऑपोजिट होना चाहिए मतलब चाहे यार एक 10,000 कमा रहा महीने के बट वो कम से कम खुद कमा रहा और एक बंदा 5 लाख उड़ा रहा और अपने बाप के उड़ा रहा उसने खुद कुछ नहीं करा लाइफ कुछ भी नहीं करा या मतलब वो एक होता ना एवरीथिंग इज गिवन एंड एवरीथिंग इज अर्नड तो जो अर्नड वाला होगा ना वो अगर कम होगा और जो गिवन वाला होगा जिसको सब फ्री में मिला है उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी उसको ज़्यादा उसकी ज़्यादा स्लेवरी करेंगे लोग मन्ना नहीं बेरा क्यों करा रहा है बट करा रहा है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में होता है किसी किसी केस में नहीं होता है बट
मेरा कहने का मतलब ये भाई, किसी को ना किसी के पैसों से, या चाहे उसने खुद भी कमाए हो, जब भी मत जज करो उसकी पर्सनालिटी। जज करो वो कैसे लोगों को ट्रीट कर रहा है, कैसे लोगों के साथ रहता है, कैसे लोगों को रिस्पेक्ट करता है, मतलब उन बेसिस पे थोड़ा जज करो। रादर उसके पास कितने पैसे हैं, हाँ वो अमीर है तो नूनी उसका ऐड बाज लो, उसकी गुलामी करो, जो नहीं है उस तो तुम गाल बको, वो कति नहीं होना चाहिए। और एट दी एंड तब वो ही कहूँगा भाई रिस्पेक्ट करो, बस हम्बलनेस दिखाओ यार। हम्बलनेस ऐसा वर्ड है मेरे ना दिल में बस रहा है, कभी हम्बलनेस होनी चाहिए थोड़ी, थोड़ा काइंडफुल वाला नेचर हो, ताकि यार देखो दुख दर्द बहुत है यार सबकी लाइफ में ना, हर कोई कोई कहीं ना कहीं कुछ जूझ रहा है। तो तुम सोचो वो बेचारा, वो इतना दुखी है जिंदगी में, तुम ऊपर तब अगर तुम उसको गंदे तरीके से बोलोगे उसका तो दिन खराब हो गया भाई, उसका मेंटल माइंड फक हो जाता है। तो वो ही कहूँगा यार थोड़ा सा हम्बलनेस दिखाओ, स्पेशली टुवर्ड्स लेबर क्लासे वाले लोगों को, क्योंकि भाई इनके बिना अपनी कंट्री तो चलेगी नहीं, ये डेफिनेटली है। और रही बात यूएई में, भाई जैसे वहाँ पे चीज़ें, जैसे वहाँ पे लोग हैं, जब भी वो कंट्री आई गेस इतना आगे, इतना डेवलप्ड है, वेल सिक्योर्ड है, सारी चीज़ें हैं, तो आई गेस थोड़ा डिग्निटी ऑफ लेबर रखो। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में, पिछली नहीं 3-4 वीडियो पहले जो गलती करी थी, वो कह के कि लेबर क्लास, बिजनेस इकोनॉमिक क्लास इज लेबर क्लास, वो मैं मीन नहीं कर रहा था बट अनइंटेंशनली हो गया। बट कोई नहीं भाई, देखो हर कोई पापी, हर कोई, कोई भगवान नहीं, सब इंसान है, हर कोई पाप करने लग रहा है इस दुनिया में, बस डिफरेंस ही है उन पापों का प्रायश्चित कैसे कर रहा है लोग। बस मैं नहीं बहुत पाप कर रखे, मैं उनका प्रायश्चित हर दिन करता हूँ, कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ अपने ऐसे अच्छे काम करूँ जिससे कि पुराने पाप मेरे धुल जाए। सो वो है, वो मैंने बात कही, मेरा दिल हो गया आज सही। कहा चलो यार वो बेचारा धूप में लाग रहा था, एक दे दिए उसकी बहुत है भाई, वे रुपये मैं दुबई में इतने उड़ाया तो कुछ एक फर्क ना पड़ता, एक अच्छा जेस्चर है यार वो, बढ़िया उसका दिन बन गया आज, उसकी फैमिली भी खुश रहेगी। तो वो है यार, चलो टाटा कर दिया, बिकॉज वो तो गया ज्ञान, इतना ज्ञान ठीक नहीं है, और इतना ज्ञान देने लायक मैं भी ठीक नहीं हूँ। आई नो कुछ भी करा नहीं जिंदगी में, बट स्टिल भाई जितना है, जितनी अच्छी चीजें प्रमोट कर सकता हूँ आई विल डू दैट। सो हम्बलनेस प्लीज भाई, हम्बलनेस अप्रिशिएट करो, और डिग्निटी ऑफ लेबर स्पेशली, रिस्पेक्ट फॉर एवरी प्रोफेशन, चाहे भाई वो गटर साफ करता हो, चाहे वो पीएम हो, भाई दोनों के लिए सेम रिस्पेक्ट रखो, एग्जैक्ट सेम भाई, कोई गलत नहीं है भाई, सब कोई, हर कोई अपना पेट खुद चला रहा है, कोई किसी का लेके नहीं खा रहा है। तो वो है, चलो ये बहुत हो गया, वीडियो बनी लंबी नहीं करनी मैंने, ठीक है चलो सब्सक्राइब कर दियो भाई थारा जी, और एक बंदे के लिए शेयर कर दियो बस, और बस, और मत कुछ मत करो, हम्बलनेस क्रिएट करो, रिस्पेक्ट करो बस लोगों की। लव यू भाई।